क्राइम ब्रांच और माणोताल थाने की पुलिस टीम ने एक मारुति कार से करीब 3.5 लाख रुपए कीमत की अंग्रेजी शराब जब्त की है। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके विरुद्ध आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। क्राइम ब्रांच और माणोताल थाने की संयुक्त टीम ने कटंगी बाईपास के पास एक मारुति ओमनी कार से लाखों रुपए कीमत की अंग्रेजी शराब बरामद की। कार से पुलिस ने अलग अलग ब्रांड की अंग्रेजी शराब और करीब 15 कार्टून बियर जब्त की है, जिसकी कीमत 3 लाख रुपए की गई है। पुलिस ने अवैध रूप से कार में शराब का परिवहन कर रहे कार चालक बेलखेड़ा निवासी अजय ठाकुर गोंड और गढ़ापुरवा निवासी राम सिंह उर्फ रामाशंकर राय को गिरफ्तार करते हुए उनके विरुद्ध आबकारी एक्ट की धाराओं के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया है। माढ़ोताल क्षेत्र अंतर्गत क्राइम ब्रांच और माढ़ोताल पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए लगभग 3 लाख कीमती शराब पकड़ी है, जिसका अवैध परिवहन किया जा रहा था, जिस पे त्वरित कार्रवाई करते हुए एडिशनल एसपी क्राइम श्री संजय अग्रवाल सर के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई। इसमें लगभग 70-80 लीटर के ऊपर शराब विभिन्न विभिन्न ब्रांडों की पकड़ी गई है, और जिसमें 34-2 का मामला पंजीकृत कर आरोपी को हिरासत में ले लिया गया और अग्रिम विवेचना जारी है। ये शराब ये अपने एक दुकान से लेके गोडाउन के माध्यम से ट्रेवल कर रहे थे, इनके पास कोई भी परमिट नहीं था और दोनों ही अपराधी जबलपुर जिले के रहने वाले हैं। पुलिस ने अंग्रेजी शराब के साथ ही ओमनी वैन भी जब्त की है और शराब तस्करी के इस मामले की जाँच शुरू कर दी है।